अर्थ है। गीता होने से पहले थोड़ा सा गीता का अर्थ समझ लो, बड़ा सुंदर अर्थ है। कहते हैं गीता का प्रचार करने वाला निष्काम भाव देगा, कामना से प्रचार करने वाला नहीं। जो चाहता है मेरे को ये मिल जाए ये मिल जाए, उसको सिद्धि नहीं मिलती भाई, उसको वही चाहे जो मांगता वही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। हम सूर्य चाहते सूर्य मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। देने वाला कहते सोई मांगता जल्दी छोटा में पिंडा छूटा, नक्की काम हुआ क्यों दे जाता, सो मांग रहे तो न मांगने वाले जो मांगता नहीं किसी तरह से। तो हमारे पूजी शेर जी ने कहा, वो मैं तो सुनाता हूँ भाई, क्यों नहीं सुनाई बात सदी सदी सारी। क्या हमारे अंतिम दिन भी आप आ जाओ और हम जय बोले तब तक हम गुणेश्वर जी नया मान लेते हैं, ऐसा कहा। कितनी सत्ता सोचा, आ जाओ कल अंतिम दिन है, यहाँ से विदाई का दिन है। अगली स्तुति जो है भाई राजेंद्र जी अग्रवाल 158 थी मानिक तल्ला मेन रोड मणिकला अपार्टमेंट वहाँ 20A में हो रहा की बात है। कागज नए भाई आए वो कागज ले लेना, एड्रेस का कागज। कहते हैं गाड़ी जो है 4 नंबर टंकी से 4:40 में मिलेगी, 4:40 के बाद गाड़ी नहीं उपलब्ध होगी, क्यों दूर है ना थोड़ा मामला, तो जाने में समय लगेगा। तो जितने भाई गाड़ी में जाना चाहें 4:40 तक 4 नंबर टंकी पर आए, और जिनके पास गाड़ियां हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ गाड़ी 4 नंबर टंकी से कोई घुमावे, कोई भाई खड़ा हो तो ले जाओ। अरे तेल उतना ही चलेगा, मेहनत उतनी होगी, समय उतना ही लगेगा, और मुफ्त में फायदा हो जाएगा, मुफ्त में कुछ बनना नहीं पड़ेगा। निष्काम भाव से करो, निष्काम भाव से। ये लिखा देश हते जयम धर्मम सम्मान महावयो, हम भी कर सकते हैं गीता पढ़े पढ़ाने लोगों को लगाने। हमारे गोविंद भाई है ना, कितना प्रचार करता कितना मेहनत कर रहा, धन्यवाद का पात्र करे, धन्यवाद देना चाहिए। अब इनको धन्यवाद देना, अपने को धन्यवाद देना हुआ और क्या हुआ, इनको क्या धन्यवाद है, ये तो सब करता धरता ही। लिखा बात थोड़ा सा कल पर सुना देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जितनी भी अच्छाइयां हैं वो सब की सब हमारे भाई गोविंद जी की ही माननी चाहिए। स्थान की सुविधा, गाड़िया की सुविधा, व्यवस्था की सुविधा। आज जो है अब भगवान के शरण एक बार तो हो ही गए, अब शायद गीता में फिर शरण होने के बाद है, तो ध्यान से पढ़ना। हो शरण होने के बाद क्या होता है, शरण क्या होता है ये बात समझनी चाहिए। मैं भगवान का ही हूँ इसका नाम है शरण। तिलक छापा लगाना, लंबी धूप खाना, वो भी शरण होता है, चादर ओढ़ना ये भी शरण होता है। अगली शरण क्या, मैं भगवान का ही हूँ, भी नहीं हूँ ही हूँ। अब याद क्या करें, याद क्या है ही हम भगवान, याद क्या करें, क्या माड़ा थोड़ी जपनी, हम कलकत्ते में ही रहते हैं, ऐसा कभी बैम होता ही नहीं कि बम्बई में दिल्ली में दिल्ली में टेके हुए जर्मनी में टेके जापान में होता ही नहीं, ऐसा होता हम है ही भगवान, इसको शरण कहते हैं। तो क्या करें, ये हो तो जाते हैं फिर फल मांग लेते हैं, ठाकुर जी अब तुम थोड़ी देर विश्राम करो हम संसार में फिर चक्कर काट के आए, इसे सुख ले ले इसे सुख ले ले, तो फिर अटक जाते हैं भटक जाते हैं। एक बात होती है बहुत ही काम है, तो सावधानी रहना। अभी फिर एक बार मौका है, फिर भी एक मौका और है। अब जय गीता हमारे भाई पढ़ेंगे जाते हैं, कई वर्षों के बाद याद आई इनको हमारी। चलो आज हो गए अंत में आए, तो अंत भला तो सब भला। हाँ जी कल अंतिम दिन है यहाँ की सत्संग का। लिखा जो भगवान जिनकी नित्य सेवा आराधना होती है, ऊपर मंदिर में बिराजे थे महाराज, उनकी नित्य आराधना सेवा होती है, वो भगवान आशीर्वाद देने के लिए आने के पधारेंगे। तो मुकद्दर है आशीर्वाद देना चाहिए, और आशीर्वाद देके विदा होना चाहिए। आशीर्वाद देके माँ बाप का आशीर्वाद लेके यात्रा करता है, यात्रा सफल हो जाती। भगवान को याद करके सत्ता नारायण 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 करके यात्रा सफल हो जाती। तो आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहिए, बात सरल है सीधा काम है। मानव एक कमजोर प्राणी है, उसमें हम लोग तो ज्यादा कमजोर प्राणी हुई, हमें तो मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर प्राणी हूँ, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, याद नहीं रहता, सुनता नहीं, जीवता नहीं, सब काम कमजोर होता ही चला जा रहा है। तो क्या करें, भूल हो जाए तो मेरे को क्षमा कर दो, वो तो क्या करो, वो तो क्या करो, भूल होने पर क्षमा कर दो, यही बात मेरी एक उदार है। आप उदार हो, उदारता के नाते मेरे को क्षमा कर दो। भगवान सबका मंगल करें, इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को बार बार नमस्कार। एक प्रार्थना सुन लो, अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते मैं आप सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। ये सरल सीधा काम है। पीछे वाली तलपट सुन लो, एकादशी चार आई है, गीता पाठ में 50 भाई बहनों ने उत्साह से भाग लिया, कोई कोई अटक गया वो दूसरी बात है, 50 भाई बहनों ने भाग लिया, 69 दिन होता है 19 दिन में भाग लिया, और शहर गीता में 68 आदमियों ने भाग लिया। कल तक की गिनती है भाई, कल आएगा
68 आदमी, एक भाई को ऐसा मौका मिला कि डबल मिल गया उसको। भगवान की प्रेरणा बड़ी मजबूत होती है, मौका डबल मिल गया। 68 आदमियों ने सहज गीता में भाग लिया। बात सरल है, सीधी है, करे क्या का भगवान के शरण है इसको स्वीकार कर ले। और किसी मूल्य पर भी यमराज भी कहेंगे इतना फल ले लो, तो फल हमें नहीं चाहिए, फल मत लेना हो, फल चाहोगे तो अटक जाओगे, फल चाहिए ही नहीं किसी हालत में। बड़े से बड़ा आदमी भी कहते तुम इसका फल ले लो, तो कहता फल क्या लेने, ये फल ही होता है, इसका फल क्या होता है, मैं उसके फल क्या होता है इसका। बच्चा कहता माँ मेरी, क्यों मेरी, अरे क्यों क्या होता है माँ मेरी, क्यों क्या होता है, क्यों प्रश्न नहीं बनता, क्यों तब बनता है किसी कारण से बनी, कारण थोड़ी है माँ मेरी, ऐसे हम भगवान के फल क्या ले, फल क्या करें। फल न लेने का नाम निष्काम होता है। फल चाहिए, धन चाहिए, बेटा चाहिए, पोता चाहिए, हमारा इज्जत चाहिए, मकान चाहिए, वो चाहिए चाहिए में भटक जाओगे, लटक जाओगे, जन्म मरना होगा, बाकी बचेगा नहीं। शरणागति का खास तात्पर्य, मूल तात्पर्य ठीक ठिकाने का किसी तरह से हम कुछ स्वीकार नहीं करें। तो कैसे प्रचार करें, शेर जी ने कहा गीता के 5 लोग हम याद करते हैं, 5 बहुत से, अरूपी सन्न अभ्यात्मा, भगवान ने अपनी तरफ से कहा, अर्जुन ने पूछा नहीं, बिना पूछे सुनाया, तब मेरा रूप मैं बताऊंगा नहीं तो पता क्या लगेगा। परित्राण आय साधु नाम यदा यदा धर्म से, ऐसे कहा बहुत, ऐसे पहले भी होगा, बहुत हुए, एक थोड़े हुए, 3 चीज छोटी बड़ी, राग भय क्रोध, वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाशिता, 5 अर्थ आई, 3 जो शर्त है जिनको कानून से चलना उनके लिए शर्त लागू होती है। कानून तो अलग होता है, कानून अलग होता है, कानून में उल्टा भी फंस जाता है, उल्टा भी फंस जाता है, कानून एक कार दो कार के वकील लोग दिमाग वाले होते, तो कानून में लिखा वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाशिता, ऐसे लिखा हुआ। अरे कानून छोड़ के जो चले दोनों हाथ ऊंचा करके जय जय श्री राधे, अब इसमें क्या जोड़ा सब कानून धरी है, क्या कर जोड़ा सब कानून धरी, कुछ काम नहीं आता। हम है ही भगवान के, बड़ी सरल और सीधी युक्ति है। अब हमारे भाई की सहज गीता सुनो भाई, वो आए सहज गीता सुनो, शरणागति का स्वरूप, शरणागत होने वाला का कर्तव्य और शरणागत होने का फल, ठीक ध्यान से सुन लो भाई, बहुत काम की बात है, बड़ा बढ़िया गीत है। शरणागति का स्वरूप क्या है, हमारे भाई ने काम को याद नहीं रहती, व्यापार करते हो, अरे याद करते हो व्यापार करके, व्यापार याद रहेगी, ये बात याद थोड़ी रहती, याद ये तो पड़ी है, हम अमुक बाप के हैं, याद थोड़ी करते हैं, हमारी ये जाति है याद थोड़ी करते हैं, मैं पुरुष हूँ याद थोड़ी करता, काम में लगा पड़ा काम में, पर काम जब हटेगा तब याद आ जाएगी, मैं अमुक हूँ। जब पूछो नाटक में पात्र खेलता है, एक लक्ष्मण बना एक मेघनाथ बना, पर दोनों एक संस्था के कर्मचारी हैं, अलग थोड़ी है, एक ही है। जब पात्र से हट जाएंगे, न तो मेघनाथ है न लक्ष्मण है, क्या है काम कर उसके कर्मचारी हैं, नौकरी मिलती है हमें तो क्या मिलता है, जो मुनाफा आता है चढ़ावा आता है वो तो मालिक को मिलता है, थोड़ी मिलता है, ऐसी बात है, ये करना क्या बात है। भाई जी ने पद बनाया, उसने एक सुंदर बात लिखी बड़ी जोरदार, कहते हैं कि कठपुतली होती है ना, उसमें स्वयं में प्राण नहीं होता, उसको नचाने वाला जैसे नचाता है वैसे नाचता, इसका नाम शरणागति होता है, इसका नाम होता है। बात बड़ी सरल सीधा सरल मौका है, कठपुतली बनना, कठपुतली कब बनता है, जब अपना अभिमान छोड़ दे, अभिमान रखते हुए कठपुतली नहीं बनता, कुछ न कुछ डंगा अपना लगाएगा, मैं भी जानकार हूँ, तो बात लिखी, लिखा शरणागति का स्वरूप, ध्यान से सुनना भाई, जो कुछ है श्री भगवान का, ये सबसे सरल, जो कुछ है वो सब श्री भगवान का है, हम साथ में लाए नहीं थे, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं ले जा सकते, कुछ भी यहाँ से सिंगल पाई भी साथ नहीं चलती हो, सब यही छूट जाता है, शरीर भी यही रह जाता है। दूसरी बात, थोड़ा साधन की तीज अवस्था होगी तो कहते हैं जो कुछ है श्री भगवान ही है, भगवान का क्या, खुद ही भगवान बना हुआ है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया सब कुछ भगवान ही तो बना हुआ है, और अलग आया कहां से, मिट्टी से कुमार ने घड़ा बनाया, चाहे कुल्हाड़ी बनाई चाहे
टोपिया बनाया चाहे गिलास बनावे साड़ी बनावे सब मिट्टी तो है, मिट्टी के द्वारा क्या है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान ही है। फिर आपस में क्या खेल करने के लिए बना, तो कहते हैं जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला हो रही है, जो कुछ हो रहा है, कोई मान सम्मान दे रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, सब भगवान की लीला है। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। वो ठाकुर जी की लीला हो रही है, चाहे सम्मान करे चाहे अपमान करे, वो ठाकुर क्या मालूम, वो महाराज कठपुतली होती ना, नचाते नचाते मार देता तो मर गई, तो मर गई का जिंदा रहता है खचंगे। बात यह कठपुतली बनना, इसको शरणागति का स्वरूप बताया, शरणागत होने वाले का कर्तव्य क्या, याद नहीं रहती भाई ने प्रश्न, याद नहीं रहती तो कर्तव्य पालन करो, क्या करें, श्री भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान की आज्ञा क्या, पता क्या लगे तो भगवान कहता सार्वजनिक एक आज्ञा, हरदम प्रसन्न रहो, या क्या है, कभी निराश मत हो, कभी उदास मत हो, निराश उदास इस मार्ग में चलने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है, हरदम प्रसन्न रहो, करते नहीं इसलिए कहा जाता है, रहते नहीं देकर रहने का विचार यहाँ कर लो, यहाँ विचार नहीं करोगे तो अन्य से कहीं नहीं होगा, यहाँ नहीं करोगे नहीं होगा, यहाँ का मतलब सत्संग में मतलब होता है। पहली बात भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान कहते हैं हम विश्व है तो तीन काम विश्व के जुम्मे का तीन काम बताऊंगा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, खेती करो, व्यापार करो, गायों का पालन करो, तो उसमें मन लगे, अरे वो जो भगवान की आज्ञा इसलिए करते हैं, हमें थोड़ी करना, हमें क्या लेना देना इसे, वो कहता है तुम व्यापार करो इसलिए व्यापार करते हो, कहता खेती करो खेती करते हो, कहता गाय का पालन को पालन करते, हमारे को कुछ लेना देना थोड़ी है, निष्काम कहते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, उसको निष्काम कहते हैं। अरे कामना पड़ी रहती है ना, व्यापार से हमें लाभ हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाए, तो कामना से थोड़ी हो जाएगा, जितना भाग्य मिलेगा उतना मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा, ये एक ही है, हम यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे, खोटी नहीं मिलेगी। यदास्मदीयम नहीं दस परेशान, सिंगल पाई भी ज्यादा नहीं मिलेगी, सिंगल पाई जितना भाग्य में लेगा उससे अधिक नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं काम नहीं करें, खूब उत्साह से काम, धैर्य उत्साह ऐसा रखे, तत्परता काम, करोड़पति क्या अरबपति बन गए, बिड़ला क्या बने, बिड़ला के ऊपर बन गए, सब सब संसार हमारा नाम ले ऐसा बन गए, उद्देश्य तो ऐसा रखे, अरे काम करें तो मिलेगा उसमें संतोष करें, जो मिल गया उसी में संतोष, भोजन जो मिलेगा उसी में संतोष करना होगा, नहीं तो महाराज रोते रहो आय आय करते रहो, आप भी नाराज, परोसने वाला भी नाराज, बनाने वाला और ज्यादा नाराज, आप नाराज ही नाराज होंगे, दुख दुख मिलेगा। तो पहला कर्तव्य है श्री भगवान की आज्ञा का पालन करना, दूसरा कर्तव्य है भगवान का निरंतर स्मरण करना। निरंतर स्मरण कब होगा, तो मैं भगवान का ही हूँ, अब स्मरण होने का क्या, मैं थोड़ी करनी है, मेरे मैं हूँ ही भगवान का, याद आवे तो नहीं आवे तो भूल जाऊँ, तो नहीं भूल जाऊंगा, मैं हूँ ही भगवान का, निरंतर याद पड़ी, जब कोई पूछे उत्तर तो बाहर की दृष्टि से देना, जवाहर की दृष्टि, नाटक में जवाहर होता है, मेघनाथ मेघनाथ बोलेगा, लक्ष्मण थोड़ी बोलेगा वो, और भीतर तो एक ही, मैं अपने माँ बाप का हूँ, यहाँ का थोड़ी नौकरी करता हूँ, यहाँ तो यहाँ तो आया हुआ नौकरी कर रहा हूँ, मैं हूँ माँ के माँ बाप का, तीसरा विभाग फिर नीचे लिखा, समझ में नहीं आया तो लिखा श्री भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित होना, जो विधान सामने आवे उसमें विधान को नहीं बदल सकते, ये तो पक्की बात है, वो बदला नहीं जाता, पर उसमें आनंदित हम रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, ये भगवान के विधान में कैसे रहे, कब विधान की ओर न देखे विधाता की ओर देखो तो प्रसन्नता होती है, वो हंसता हुआ कहता मैं तेरे को शुद्ध करने के लिए प्रतिकूलता भेज रहा हूँ, मैं तेरे को अपने पास बुलाने के लिए मोटर भेज रहा हूँ, जैसे हमारे गोविंद भाई है ना, मोटर भेजता हम लोगों को, तो आ जाओ इसमें, आ जाते हैं इकट्ठे, मेरी नहीं लगती ऐसी अनुकूलता, भगवान अपने पास बुलाने के लिए भेजते हैं, प्रतिकूलता कहते हैं तू मोटर गाड़ी में मटक सेटल जाना, तू सीधा मेरी गोद में आगे बैठ गया, मैं तेरा तू मेरा, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिले अरुकामी, जो कुछ हो तो थारो, नाथ में थारो जी थारो, फिर वो शरणागति कहते हैं, अब इसका नाम शरणागति है, तो भगवान को बोलना पड़ा तू भाया मारो रे मारो, तू मारो थारो जग मारो, मासू करे न्यारो, ये लिखा भाई
ऐसे हम शरणागत का स्वरूप जान लिया और उसका कर्तव्य जान लिया, अब फल क्या होगा? फल बताए बिना हाथ निकलता नहीं, हमारा कदम उठता नहीं, पैसा नहीं, वो काम क्यों करें, क्या फायदा? कहते हैं इसका फल मिलेगा परम शांति परमानंद। शरणागत होने के बाद दुख नजदीक नहीं आएगा, दुख शब्द डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, दुख शब्द है ही नहीं। नहीं तो संसार दुखालय भगवान से विमुख तो दुखालय, यहाँ दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं। और भगवान ये शरण हो गए तो परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होगी। और कैसे मिलेगी? इसमें निर्भय हो जाएगा, भय नहीं रहेगा। भय क्या होता? मरने का भय सबको लगता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको मरने का भय नहीं लगे, वो निर्भय हो जाएगा। क्यों? हम तो मरेंगे नहीं, राम मरे तो हम मरे, नहीं मरे मरा अब काहे मरे भाई, हम तो राम जी के हैं, हमारे मरने का काम ही नहीं। निर्भय हो जाता, निर्भय भय नहीं हो जाता। हमें तो कदम कदम पर भय लगता है, कद को शरीर को बना रखना चाहते हैं, संसार को बना रखना चाहते हैं, इसलिए भय लगता है। वो बना रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं, जानते हैं नहीं, इसलिए होता है। तो फल क्या मिलेगा? निर्भय हो जाएंगे और दूसरी बात निश्चिंत हो जाएंगे, चिंता किसी तरह की नहीं। नहीं तो चिंता खाई जाती है। गीता ने तो श्लोक रखा, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांता मुपाशिता कामोपभोग परमा एता वरिनिश्चिता। ऐसा लिखा भाई, चिंता इस जन्म की नहीं, कई जन्मों तक की चिंता लगी रहती है। एक हमारे महाराज के पास एक पैसे वाले सज्जन आए, उन्होंने कहा, लोगों को बताया, महाराज ने बता दिया, कहा पैसे वाले सज्जन आने, बड़ी अच्छी बात बातचीत हुई। कहा भाई बड़ी अच्छी बात बहुत है, क्या फिर हालत क्या है? कमरा अंदर में एक आग लगी पड़ी है। क्या होंगे, क्या चीज की आग लगी? सात पीढ़ी खावे इतना तो हमारे पास है, आठ पीढ़ी क्या खाएगी? तुम सात वीडियो खाने दो पहले यार, तुम पहले क्यों चिंता सात पीढ़ी खावे कुछ काम नहीं करे, इतना तो धन मेरे पास है, आठवीं पीढ़ी क्या खाएगी? इसके लिए जलन लगी पड़ी, आग लगी पड़ी है, भीतर आग लगी पड़ी है। ये बात तो निश्चिंत हो जाता, चिंता नहीं भाई। हम बैठे कितना दिन से, जितना दिन बैठे उतना दिन काम करते, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं। ऐसे महापुरुष को जो शरण होने का विचार करता है, शरण होना तो देखो थोड़ा कठिन है जरूर, पर शरण होने का विचार करना बहुत सरल है। विचार तो हम कर ही सकते हैं, विचार करने में क्या जो लगा? विचार करने वाले को दिव्य संदेश भगवान की ओर से आया, भगवान देते दिव्य संदेश। एक महापुरुष संदेश देता है, एक भगवान संदेश देता है, एक हम लोग आपस में चर्चा करते, तीन होती है और तीनों में फर्क होता है। भगवान का दिव्य संदेश वो सुन लो भाई, बहुत जोरदार है। ईश्वर के नाम का जप स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। जब आपके पास समय मिले, जब आपको काम करने से फुर्सत मिले, एक दो मिनट चार मिनट, ऐसा नहीं मिलती घंटा दो घंटा की जरूरत नहीं, एक मिनट दो मिनट चार मिनट जब भी मिले, जितने सेकंड मिले सेकंड मिले कोई आज नहीं। ईश्वर के नाम का जप स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सरल काम होता है। ईश्वर के नाम का जप स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। काफी समय मिलता ही, तुम्हें बहुत मिलता है, ध्यान नहीं देते। महादेव गाड़ी में चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हो तो भी गाड़ी लाल बत्ती आती रोकनी पड़ती है, खड़ा रहना पड़ता है, गाड़ी करते नंबर नोट हो जाएगा, फाइन लग जाएगा, तो खड़े रहते ना उतनी देर में। ओम राम ऐसा उच्चारण करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो। अरे फालतू बात करें तेरे क्या होते डिप्लोमा, फालतू ही फालतू बात में समय खोते हैं। यूं नहीं सोचते, अरे मुंह फंदे जीवन जा रहा है, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चलाने वाला चला रहा है, मुंह फंदे क्यों समय बर्बाद करते हो? पर अक्ल में बात नहीं आती। कहा पहला दिव्य संदेश भगवान की ओर से है कि जब आपको समय मिले, जब आपको मिले, रात में सोते समय क्या काम पड़े, सीधी जाती तो नींद आएगी नहीं, किलोमीटर तो टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी आएगी, दो तीन पांच मिनट आएगा, उस समय भगवान को याद करो। सुबह उठ के क्या काम है? सुबह उठ के भगवान को याद करो, नमस्कार करो। ईश्वर के नाम का जप स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। अब उस समय में बात करेंगे, अगर टेलीफोन खड़ा करो, हेलो हेलो करे तो हेलो हेलो में आप हेलो हो जाओगे, हो जाओगे। दूसरा लिखा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। पाप तो कर लो फिर भगवान का भजन करके छुड़ा लेंगे, उसका पाप वज्र रेप हो जाता है, मिटता नहीं है, बहुत भयंकर पाप हो जाता है, उससे बचो। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं, बहुत बड़ा अपराध होता है। तीसरी बात, ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ये निष्काम
भगवान का भजन करें ठाकुर जी सवा मणि तेरे वो पक्की चढ़ाएंगे, लड़का हमारा फर्स्ट क्लास पास हो जा, उस चढ़ाएंगे सवा मणि बाद में, लड़का पास हो पहले, इतना विश्वास नहीं कि पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये बात हो ईश्वर के नाम की साधन करके उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के नाम साधन रूपी धन का उपयोग पाप के नाश के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये और बात, पाप का नाश, पाप जो भगवान का नाम लेने से अपने आप पाप नाश हो जाता है, तो पाप को नाश के लिए क्या जो है पाप भोगने से नष्ट हो जाएंगे, कभी उसको नाश। अरे वो भगवान का नाम इतना पवित्र है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्र हो जा, जननी पवित्र हो जा, संसार पवित्र हो जा, वो नाम हमें मिल गया जो भगवान शंकर जपते हैं, नारदा जी जपते हैं, महाराज सब जपते हैं, सब उस भगवान का नाम लेके वो नाम हमें मिल गया हमारा सौभाग्य, तो उसके नाम के बोले पाप बना दिया गया, पाप तो भूखे नाश हो जाएगा, अरे पाप माफ हो जाता है, जो नाम जपता उसको पाप कुछ कर ही कर सकता। चौथी बात देखिए, ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए ही करना चाहिए। पूछा जाए नाम जब क्यों करते हो, तो नाम लेने के लिए करते हैं, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों इसमें शामिल नहीं होता। ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए। ये गयो वाद मोड़ा जल्दी हाथ में लुटी दे, ये दम्भ होता दिखाओ जी पर हम इतनी मारा फेरते हैं, दम दम्भा चरण कहा महाराज, दम्भ नहीं करना चाहिए। दम्भ से भगवान अप्रसन्न होते हैं, दाम्भिक की बुरी गति होती है। ये हो दम्भ कर सर दिखाओ जी मत, दिखाते हैं हम भी हैं, चिलक छापे मुँह लगा सहजन हुआ बड़े आदमी बन गए, मेरे के तो कुर्सी मिली आदमी में बड़े हो गए, दम्भ करते दम्भ 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 करने वाले आदमी को फटन होता है, दुख पाना पड़ेगा। छठी बात देखिए, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेते हैं। गीता में धर्म क्या बताया, धर्म बताया, चार धर्म बताए गीता ने, बहुत ऐसे 235 श्लोक है, और एक सीधा बताया, मन मना भाव, मद भगतो भाव, मध्याजी भाव, माम नमस्कुरु भाव। ये धर्म बताया, मन मेरे में लगा दो, मन मना भाव, मद भगतो, बुद्धि रहती मन के बाद ऊपर बुद्धि रहती है, तो बुद्धि को मेरे में लगा दो, मद भगतो भाव, और मध्यादि, फिर पर हमारे सामने सामान रहता है, अरे कुछ न कुछ सामान रहता है, जिसे हम जीवन कपड़ा लगता ये सब रहता है, सामग्री सब मेरे को दे दो, मन मेरे को दे दो, बुद्धि मेरे को दे दो, सामग्री मेरे को दे दो, तो बचा गया, बचा खुद का माम नमस गुरु, खुद को भी मेरे को दे दो, खुद भी अपना बच मानो, चारों चीज मेरे को दे दो। ये चार धर्म बताए, मन मेरे को दो, बुद्धि मेरे को दो, सामग्री मेरे को दो, और स्वयं भी मेरे पास चले आओ, तुम मेरे हो मैं जी रहा हूँ। हमारे भाई जी ने लिखा एक बात बड़ी जोरदार, हम भगवान के शरण हो गए, इसकी कसौटी पता कब लगता है, हम कहते हैं हे नाथ मैं आप गाऊँ, तो भगवान उतरेगा हाँ भैया मैं जी रहा हूँ, अभी शरणागति पूरी नहीं हुई, ये भी अधूरी अधूरी शरणागति है, पूरी कब होगी, भगवान का मैं तेरा हो गया, जैसे हम जीसस भगवान की हो जाए ऐसे भगवान बोलेगा उत्तर आएगा मैं तेरा हो गया। एक मरद कथा आती है भक्त की, उदना नाम के भगवान बड़े मरद भगवान शंकर के कार्य थे ऑफिसर आदमी, वो भगवान शंकर की उपासना करते थे, तो भगवान शंकर के मन में आई कि मैं भी सेवा करूँ इसकी, तो महाराज नौकर बन गया, उदना उदना नाम का नौकर बने महाराज, महाराज के पास आए, काम मैं करने को तैयार हूँ, कराओ क्या लोगे, कर लेना कुछ नहीं, मैं लेता कुछ नहीं, मैं खाता ज्यादा हूँ थोड़ा भोजन मेरा ज्यादा है, 5 किलो रोज खाता हूँ, थोड़ा नहीं खाता, तो क्या करना पड़ेगा, कर तुम्हारी जनाना जो है वो रोज पीट के देगी उसका खाऊंगा, हर एक आदमी घास का नहीं खाता मैं, हर एक आदमी घास का नहीं खाता, तो लेकर कुछ नहीं काम करे महाराज, फिर भगवान काम करे उसका काम का कार क्या कार। महाराज यात्रा में जा रहे थे, पालकी के साथ में वो भी चल रहा था, महाराज कह लो मेरे को प्यास लगी है उतना, तो महाराज अभी आता हूँ, देखा कहीं पानी का जुगाड़ है ही नहीं, राजस्थान रेगिस्तान कहाँ पाकिस्तानी है ही नहीं, तो एक पेड़ की ओट में गए और ऐसे निचोड़ी महाराज वो ठन
गंगा गंगा जल पिया हमारा। अरे कहाँ भी लिया, यही तो यही तो। अरे यहाँ है ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कहीं जो पानी का नाम निशान नहीं है, पानी कहाँ से आ गया, पानी कहाँ से आ गया, बता कहाँ से लाया। महाराज आग प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। ओहो महाराज, मैंने आप ये सेवा ली, बड़ा कठिन काम। देखो किसी को बोलना मत, नहीं मैं भाग जाऊंगा। मैं ठहरूंगा नहीं, किसी को बोलना मत, मैं भगवान हूँ ये मत बताना। पर इनको तो लीला करनी होती है ना, जब तक करनी होती है। एक रोज जानबूझ के लेट कर दिया, और महाराज जनाना रही, 5 किलो रोज पीती थी, शरीर हल्का हो गया, हमारे बैठ गया ना, दवाई खा के बड़े डा लगा के पतले हुए। दवाई खानी पड़ी, ऑपरेशन कराना पड़ा, 50,000 रुपया लग गया पॉकेट में। और मेहनत किया, मेरे वो जो पतली हो गई, जो पड़ोसन ने कहा कि चिड़ी क्या दिशा है, कर रोज 5 किलो पीस के देती हूँ, इसलिए मेरी वजह से वो प्रचार हो गया ना, प्रचार हो गया तो उनको पता लग गया, वो तो सर्वज्ञ ठहरे। तुम्हारे काम में लेट गई, थोड़ी लेट गिर आते ही वो गुस्सा हो गई, तुम ऐसे करते एक लकड़ी लेके मारने चली, मारने चली। तो महाराज बोल पड़े, अरे क्या ये भगवान शंकर है, अरे राम राम, किस दिन ऐसे भगवान शंकर के भी सेवा करने की मन में आती है। हमारे भाई का जो भगवान शंकर तमोगुणी बता दिया आपने, अरे मैं तमोगुणी थोड़ी बता दिया, वेश उसका अलग है, हमें समझना चाहिए। जब तक शंका दूर नहीं हो तब तक उसे पीछे पड़ना चाहिए, ब्रह्म रही ढूंढना चाहिए। ब्रह्म में पड़े रहोगे शंकर में चल जाओगे, और सती ब्रह्म में पड़ी तो जन्म लेना पड़ा, मरा जन्म लेना पड़ा, फिर भी शंका नहीं गई। तो इसमें लिखा है सत्य ईश्वर भक्त सदा सदाचार परायण कर्तव्य शील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना है, लेते हैं। गीता धर्म एक ही है, मन को भगवान का मानो, बुद्धि को भगवान का मानो, सामग्री को भगवान का मानो, और अपने आप को ही भगवान का मानो, सब काम ठीक हो जाए। और अंतिम बात लिखी है जो बड़े काम की है, हमारे भाई नाम मिलिया जी बड़े अच्छी हम लोग को आदि उपदेश देते ही रहते हैं, दूर रहते धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, दूध लेके धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसे झगड़ों में मत पड़ो जहाँ ये झंझट लगे। बात ये सरलता से काम अपनाना चाहिए, बहुत सीधा मौका है, सरल उपाय बताता हूँ, बहुत सीधा उपाय। जब समय मिले, हमारे महाराज को पूछा क्या करें, तो जब समय मिले तब भगवान को पुकारो। दिन में टिफिन का टाइम मिलता है, टिफिन टाइम तो करना ही पड़ता है, आधे घंटा टिफिन टाइम होता है, चाहे नौकरी करो चाहे ठाकरी करो चाहे कुछ करो, अरे टिफिन टाइम और काम नहीं, भगवान को याद करो, भगवान का जाओ, ये सब देखिएगा। थोड़ी थोड़ी देर में प्रणाम करते रहो, प्रभु के चरण कोनी कोनी करो प्रणाम, यही कहो बोलो नहीं मेरे प्रियतम। फिर निवेदन करता हूँ भाई, यथाशाधि गीता का एक श्लोक आधा श्लोक स्वयं पढ़ो, औरों को पढ़ाओ, 5 श्लोक रोजाना याद कर लो, अजो पी सन्यात्मा, इसका एक बड़ा विशेष महत्व है, कम से कम मानव तो बन जाओगे, मानव शरीर मिल जाएगा। ये हमारे महाराज की युक्ति है, बड़ी सुंदर है। 5 श्लोक पढ़ने में 2-2.5 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता, और ठीक ढंग से पढ़ोगे तो जन्म होगा ही नहीं, यहाँ ही कल्याण हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। बीज राग भय क्रोधा मन मया माम उपाशी रहा बहु ज्ञान तपसा भूता मधुभाव माव। बहुत सीधा काम है, जितना बन सके कम से कम, कम से कम, कम से कम, मेरे कहते कम से कम क्या, विचार पक्का कर लो, आज ही हम भगवान के ही हैं। अनुभव आवे चाहे न आवे, चाहे जाने चाहे न जाने, पहचाने चाहे न पहचाने, चाहे याद बिल्कुल ही नहीं आवे, 2 महीना तो जैसे हमने किसी को गुरुजी बना लिया, अब गुरुजी का काम पड़ा नहीं करे, गुरु तो बना तो लिया, अब 6 महीने बाद गुरुजी की याद आई तो कहो ना वो हमारे गुरुजी थे, कहते हमारे गुरुजी ने 6 महीने तक काम नहीं पड़ा, कुछ याद नहीं आया, कुछ काफी नहीं था, कुछ याद नहीं, जब याद आया गुरुजी का नाम आया सामने तो फौरन याद आती है, अरे वो गुरुजी तो हमारे थे, अपने अपने ऐसे याद आनी चाहिए। जब याद आवे तो हे नाथ मैं आपका ही हूँ, मंत्र है ये महामंत्र, एक मंत्र होता है एक महामंत्र होता है, हे नाथ मैं आपका ही हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ये महामंत्र एक मंत्र होता है महामंत्र, ऐसे मंत्र का जाप करते रहे भाई, थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान को प्रणाम करते रहे। बहुत सुंदर है, अगला स्तुति का मैंने निवेदन किया मणिकला अपार्टमेंट में, कल यहाँ है
कम से कम ठाकुर जी से विदाई लेने के लिए आ जाना हो, विदाई में भी फायदा हुआ, बड़े बुजुर्ग तिलक करके विदा करते थे, आज तो ऐसे चल देते टिक्का निकाल के विदा करते थे, पुरानी प्रथा हमारी ऐसी, तो टिक्का निकलवा लो ठाकुर जी से, राजा में जगह हुआ ठाकुर जी से टिक्का निकलवाओ और वो महाराज विदाई लो, बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया फायदेगा। आज मिटे भाई फाल्गुन कृष्णा नौमी सम्मत 2072 गुरुवार मार्च 3, 2016 फाल्गुन कृष्णा नौमी सम्मत 2072 गुरुवार मार्च 3, 2016 का गोग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है, गौग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौग्रास करेंगे कैसे, काय मिलती नहीं, काय खाती नहीं, पहले तो मिलती नहीं फिर खाती नहीं, तो क्या करें, तो कुछ निकाल लो, ऐसी चीज निकालो पड़े रहे, एक साल इकट्ठा हो जाए तो किसी गौशाला में और कहीं जाकर अपने हाथ दे दो, संस्था में रुपया नहीं जमा देना, संस्था वाले जमा दे देते हैं, कुछ काम नहीं करते, बहुत थोड़ा काम करते, अपने हाथ से जाके गाय को घास भूस गुड़ वगैरह जाके एक साल खिला दे, थोड़ा सा रुपया हो जाएगा, जाके खिलाओ, ऐसे गौग्रास निकालना चाहिए, यहाँ न गाय मिलती न गाय खाती, दोनों नहीं, कूड़ा खाती, रोटी नहीं देते रोटी, गाय नहीं खाती, तो सीधा उपाय करने का ये तरीका है। यदि भगवान के प्यारे बनना चाहते हो तो निंदा और स्तुति को समान समझो, वो आ गया फिर, निंदा और स्तुति को समान समझो, निंदा से रुष्ट मत हो और स्तुति से फूलो मत, और भगवान के चरणों को अपनी एकमात्र संपत्ति जानो, ऐसा करने से समस्त गुण अपने आप तुम्हारे अंदर आ बसेंगे, तुम आनंद रूप बन जाओगे, भगवान की घोषणा है, निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज हे सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा स्तुति समान करने से बहुत बड़ी उन्नति हो जाती है। गुरुवार नौमी रात्रि दिन में 1:28 का, दिन में 1:28 तक नौमी है, तन और मन की दूरी द्रव्य क्रिया है, तन और मन की दूरी द्रव्य क्रिया और तन और मन की एकात्मता भाव क्रिया, भाव क्रिया का अभ्यास एक साधना है, भाव क्रिया का अभ्यास एक साधना। कल भाई पूछे थे उसमें लिखा स्वाद के लिए खाना अज्ञान, जीने के लिए खाना आवश्यकता, और संयम की रक्षा के लिए खाना साधना, संयम की रक्षा के लिए खाना साधना, जीने के लिए खाना आवश्यकता, स्वाद के लिए खाना अज्ञान मूर्खता, ये पहली बार। तो क्या करें भाई, एक प्रार्थना कहेंगे बाकी वो प्रार्थना करके फिर हरे राम कीर्तन करते हैं, करो कृपा सीरा मधुर स्तुति मंगलमय सुखदा श्रद्धा नित बढ़ती रहे नित्य विश्वास अर्पण
मांग लोगे कहीं भी तो अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक जाओगे।